Welcome to Fakutsoft. Our aim is to spread knowledge and make people more aware. Moving on. अब दो तीन चीजें हमने और देखनी है इसी concepts के अंदर transformation में. एक है piecewise linear transformation function. Piecewise linear transformation function basically हमारे पास क्या होता है कि हम बजाय इसके कि एक specific formula दे दें, हम decide करते हैं arbitrary based on our application कि हमारी values क्या होंगी. इससे मुराद क्या है कि let's say बजाय इसके कि हम state एक function रखते हैं, हमने कुछ हिस्से के लिए ये function value रखी है, कुछ हिस्से के लिए ये वैल्यू रखी है, फिर कुछ हिस्से के लिए ये वैल्यू रखी है. तो इसके लिए हमें क्या फायदा होगा, जैसे अब हमने एग्जांपल दिखाई, ये पुअर कंट्रास्ट का इमेज था और इसको हमने कन्वर्ट जब किए तो ये हाई क्वालिटी में कन्वर्ट हो गया. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. पीस वाइज का मतलब क्या है कि बजाय इसके कि एक ही थ्रेशहोल्ड या एक ही वैल्यू सारे इमेज पर लगाया जाए, कुछ हिस्से पर कोई वैल्यू लगा दी, कुछ हिस्से पर कुछ और, कुछ हिस्से पर कुछ और, तो ये हमारे पास पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है. इसके एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे बताई है कि लेट्स से ये हमारे पास एक रोड है, लेट्स से ये एक नीचे रिवर है, ये इसके ऊपर रोड है, उस पर व्हीकल जा रही है. हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें ना ये हिस्सा नजर आए रोड का, तो ये हमने पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किया, जिसमें ये हिस्सा हमने कॉन्स्टेंट कर दिया ब्लैक, ये हिस्सा भी कॉन्स्टेंट कर दिया और यहाँ पर हमने वो वैल्यू रख दी है कि जो हमें नजर आनी चाहिए. एक आखिरी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है बिट प्लेन स्लाइसिंग का. बिट प्लेन स्लाइसिंग का क्या मतलब है, हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास टोटल जो है वो 8 बिट्स हैं और 8 बिट्स का मतलब ये है हमारे पास टोटल कलर्स हैं 0 से 255 तक. अब जब हम बिट्स की बात करते हैं तो एक बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट है कि बिट्स में हमेशा एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है. अगर हमारी सारी की सारी बिट्स पूरी हो तो वो ऑफकोर्स क्वालिटी बेहतर होगी, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी स्टोरेज, उसकी ट्रांसमिशन एक्सपेंसिव होगी. इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की इंफॉर्मेशन को सेफ रखें और बाकियों को ज़्यादा वेटेज ना दें तो हमारी स्टोरेज और ट्रांसमिशन आसान हो जाएगी. लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम देखते हैं. जैसे लेट से मेरे पास एक ही ओरिजिनल इमेज है, ऑल्दो यहाँ पर ओरिजिनल इमेज तो नहीं है, हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जब ऑन रखा है, वन रखा है, बाकी सबको नहीं रखा, तो हमारे पास इमेज कुछ इस तरह का बन रहा है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं सेकेंड बिट को ऑन रखूँ तो कुछ इमेज की क्वालिटी ऐसे होती है, 3 को करूँ ऐसे, 4, 5, 6, 7 और 8. अगर मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, इसको LSB को ऑन रखूँ और यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन है, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारी होती है, क्योंकि वो हमारी ज़्यादातर वैल्यू उसको पढ़ी होती है, तो हमारे पास इमेज की क्वालिटी बेस्ट होती है, जबकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की बेस में हमारी क्वालिटी कम होती है. इसी को एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं, वो कुछ इस तरह है कि जैसे हमारे पास ये जो ओरिजिनल इमेज है ये है ए वाला, ये जो है ये ओरिजिनल इमेज है और उसके बाद ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. तो आप बड़ा आसानी से देख सकते हैं कि अगर आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऑन रखते हैं तो आप रफली या बेस्ट क्वालिटी चेक कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बाकी बिट्स के. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अपने पर अटेन रखती है एज कम्पेयर टू बाकी सारी बिट्स के. तो ये जो हमने अभी कंक्लूड किया है, ये हमारे पास बेसिकली सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन थी. और ये ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी थी, जो पॉइंट प्रोसेसिंग के लिहाज से, पॉइंट प्रोसेसिंग से मुराद हम क्या ले रहे हैं, जिसमें हमने S=TR का फार्मूला लिया है. अब मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी तीन किस्म की देखी, जिसमें हमने लीनियर को देखा, लॉगरिथमिक को देखा और पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन को देखा. आप क्या इन तीनों के अलावा कुछ चीज़ ऐड ऑन करना चाहेंगे, ये आपने सर्च आउट करना है ऑन योर बुक और इंटरनेट के इन तीन के अलावा क्या आपके पास ऐड ऑन हो सकता है. अच्छा, और एक और चीज़ ये देखी जा सकती है कि क्या इन तीनों के अंदर कोई फर्दर एडिशन हो सकती है, अगर वो एडिशन हो सकती है तो वो आपने हमें कमेंट्स के अंदर बताना है.